नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट इन अ रीजन, लेट ए बी द ओरिजिन, बी बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू प्लस वन सेंटीमीटर एंड सी बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एट वाई इज इक्वल टू प्लस वन सेंटीमीटर, देन द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एंड सी सैटिस्फाइड। कौन सा? अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो। ए पॉइंट ही ओरिजिन है, ठीक है, और बी पॉइंट के बारे में क्या कह रहा है? बी पॉइंट यहाँ कहीं है, उसका कोऑर्डिनेट 1.0 होगा, ठीक है, 1.0 होगा ना, 1.0। अच्छा, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये सी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, कोऑर्डिनेट 0.1 होगा ये, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? देखो क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन है रीजन, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉइंटिंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ऑब्वियसली बात है ये नेगेटिव होगा, इसका मतलब है, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव वाई, नीचे नेगेटिव वाई। अच्छा, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या रिलेशन होता है, याद है ना? अच्छा, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, भूलना नहीं है। पोटेंशियल एक स्केलर है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है? नेगेटिव का ये सिग्निफिकेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ये सिग्निफिकेंस। पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल, पहले ए पॉइंट आया बाद में बी आया ना, तो बी का पोटेंशियल कम होगा, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा और ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, या तो उल्टा ऐसे लिख दो कि वी ए इज ग्रेटर देन बी बी। इस लॉजिक से कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, लग रहा कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।